आज मैंने जितेंद्र चौधरी का स्टेटमेंट देखा है, उसने कहा है कि ग्रेटर तिपरा लैंड तिपरासा को कभी नहीं मिलेगा। मैं कम्युनिस्ट को एक बात बोलना चाहता हूँ, आपने हमें क्या दिया? 10 साल निपेन चक्रवर्ती का राज, उसके बाद 25 साल मानिक बाबू का राज, 35 साल में आपने तिपरासा को नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब जनजाति को बनाकर रखा, सबसे पीछे, सबसे गरीब, जिसके पास नौकरी नहीं था, जिसके पास एजुकेशन नहीं था, आपने हमें इतना पीछे रखा। आप कम्युनिस्ट ने एडीसी को अपोज किया लेकिन आप रोक नहीं सके, आपने विजय रंखोल को अपोज किया लेकिन 3 सीट विजय रंखोल लेकर आया, आज आप मेरा ग्रेटर तिपरा को अपोज कर रहे हो। खुद तो कुछ नहीं कर सके लेकिन आज तिपरासा का आशा को आप तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे जिंदगी में मुझे तिपरा लैंड मिले या ना मिले, एक ना एक दिन तो तिपरा लैंड तिपरासा को मिलेगा और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। और आप अगर हिम्मत दिखाना चाहते हैं कम्युनिस्ट लोग, तो बक्सनगर और धनपुर में मदद मांगने क्यों आए? बीजेपी को तो हरा नहीं सकते, बंगाल में ममता बनर्जी को हरा नहीं सकते, केरला में कांग्रेस से हार रहे हो रोज, लेकिन त्रिपुरा में तिपरा मोथा को नीचे दिखाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। असल में आपके जमीन से आपका पावर आपके पैर के नीचे से फिसल रहा है। तो मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, तिपरासा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मांगेगा। आप हमारे साथ नहीं हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे साथ पहले भी नहीं थे, सिर्फ वोट के लिए आपने हमें इस्तेमाल किया। अब तिपरासा बेकूफ नहीं है, अब तिपरासा अपना बच्चा का भविष्य के लिए फाइट करेगा और उसी को वोट करेगा जो तिपरासा का अधिकार के बारे बात करे। दिस इज बोबाग्रा स्पीकिंग फॉर तिपरासा, फॉर ऑल तिपरासास।